हेलो क्लास इलेवेंथ। तो आज आपको मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, और जो आपने 10th क्लास में चैप्टर 7 पढ़ा है ना, तो यहाँ पर यही चैप्टर आपका यहाँ पे 11th क्लास में आ गया है। मगर बस फर्क ये है कि हमने तो 10th क्लास में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो वो हमारा क्या था, टू डायमेंशन था, सिर्फ हमारे दो ही डायमेंशन थे। लेकिन यहाँ पे 11th क्लास में आप पढ़ोगे थ्री डायमेंशन, मतलब तीन डायमेंशन। जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे एरिया होता है तो एरिया क्या होता है, टू डायमेंशन होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। तो ऐसे ही हमारी जो ज्योमेट्री है, जो रेखा गणित है, वो भी हमारी टू डायमेंशन भी होती है और थ्री डायमेंशन भी होती है। तो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन। ओके, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो, और चैप्टर है आज आपका 12। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है आपका चैप्टर 12 और क्लास आपकी 11। और क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके जी, तो अब ये क्या होता है, जैसे आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, बस यही दो एक्सिस थे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, मतलब दोनों काट देते ये ओरिजिन हो जाता था। अगर हम इस साइड बढ़ा देते थे तो माइनस का एक्स, और अगर हम इसे नीचे कर देंगे तो ये माइनस का वाई। तो ये तो था हमारा कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। लेकिन यहां पे देखो दो ही एक्सिस है, एक एक्स है और एक वाई है, तो हमारे सिर्फ टू ही एक्सिस होते थे। लेकिन 11th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशन। ये अभी क्या था, टू डायमेंशन, इसके अंदर एक और डायमेंशन ले आओ जेड। तो अब क्या हो गया, ये हमारा बन गया थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अब इसके अंदर कितने डायमेंशन हो गए, थ्री डायमेंशन, एक्स वाई और जेड। ठीक है, जैसे अगर आपको अभी समझ में नहीं आता, हम एरिया की बात करते हैं, किसकी, एरिया की। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं आपके पास ट्राइंगल का एरिया बोलूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम, तो अगर मैं बोलूं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई r³। इस r की क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, r into r into r। तो डिफरेंस आपको पता चला, जो हमारा रेक्टेंगल है इसके अंदर लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब सिर्फ दो ही डायमेंशन है। मेरे पास ट्रायंगल है तो बेस है, हाइट है, इधर भी दो डायमेंशन है, तो ये दोनों हमारे हैं टू डायमेंशनल फिगर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसमें क्या है, थ्री डायमेंशन है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो हो गया ना थ्री डायमेंशन। स्फीयर में देखो, ये तो हमारी क्या वैल्यू हो गई, आर की क्यूब, मतलब आर इंटू आर इंटू आर, थ्री बार आर हो गया, मतलब ये हमारी 3D फिगर थी। तो ये हमारी फिगर के बारे में था, आपने सबको पता ही होगा कि ये हमारी टू डायमेंशन फिगर होती है, जिनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ये हमारे प्लेन है और ये हमारा क्या है, स्पेस, वॉल्यूम है। जो 3D चीज होती है हम उसको हर जगह से देख सकते हैं, मतलब हम उसका साइड व्यू भी देख सकते हैं, फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, मतलब हम उसे तीनों एक्सिस से देख सकते हैं। लेकिन जो टू डायमेंशन फिगर होती है उसको हम तीन एक्सिस से नहीं देख सकते, सिर्फ उसमें दो ही डायमेंशन होते हैं, वो बेसिकली आपका सिर्फ सपाट प्लेन सरफेस होता है। तो ये सारे हमारे सरफेस प्लेन सरफेस होते हैं और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। ओके जी, तो ये तो हमारी बेसिक थी फिगर के हिसाब से। ऐसे हमारी ज्योमेट्री में भी, रेखा गणित में भी ये थे। जैसे आपने 10th क्लास में चैप्टर 7 पढ़ा था, तो वहां था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे सिर्फ दो ही एक्सिस थे जिसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। मगर यहाँ पे हमारे पास ये 3D स्पेस है, इसको थ्री डायमेंशन या फिर इसको स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेस। ओके, तो ये हमारा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, मतलब थ्री एक्सिस से बना हुआ आपका सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, सपोज करो मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं, तो थ्री डायमेंशन पे हम पॉइंट ले रहे हैं,
हमने सपोज कर लिया ये हमारा पॉइंट है, ये तो ओ हो गया, ये ना ए बी सी डी ई एफ और ये पॉइंट है आपका जी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। अब देखो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में वाई और जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स जीरो और जीरो। अब ये पॉइंट है हमारा सी, ये किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, तो एक्स भी होगा वाई भी होगा मगर जेड नहीं होगा। जैसे एक्स एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू जीरो होती है, ऐसे ही एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू जीरो होगी। अब ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, एक्स भी जीरो वाई होगा जेड जीरो, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा ओ तीनों के तीनों जीरो होंगे। अब ये पॉइंट हमारा किसके बीच में है, जेड और वाई प्लेन के, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स जीरो वाई और जेड होगा। ये हमारा एफ पॉइंट है, किस पर है, जेड एक्सिस पे, तो एक्स भी जीरो वाई भी जीरो और जेड। ये पॉइंट हमारा ई है, एक्स और जेड पे है, तो एक्स होगा वाई नहीं होगा और जेड होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास होगी बात, सिंपल सी बात है। अगर हमारा एक ही एक्सिस होगा तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू जीरो होगी, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड की, और जेड पे एक्स वाई की। फिर एक्स और वाई, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू जीरो, वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स जेड प्लेन पे जेड की वैल्यू जीरो। और ये पॉइंट हमारा तीनों पे है, तो इसलिए हमारे तीनों प्लेन, तीनों पॉइंट बनेंगे एक्स वाई और जेड। ठीक है जी बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गई। जब आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते थे तो आपने वहां पे पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन हमारा फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है और हम उनको बोलते थे क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश, चार पार्ट में डिवाइड होता था। लेकिन जो थ्री डायमेंशन स्पेस होता है या थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री होती है, ये हमारी एट पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इनको बोला जाता है ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं हम उनको, ऑक्टेंट। एट पार्ट्स में डिवाइड हुए इसलिए इनका नाम क्या होता है, ऑक्टेंट। अब ये ऑक्टेंट कैसे कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो देखो सभी बच्चे, ऑक्टेंट हमारे पास याद रखना है इन थ्री डी स्पेस डिवाइडेड इंटू एट पार्ट्स नोन एज ऑक्टेंट। हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टेंट बोलते हैं, आठ पार्ट होते हैं। अब ये आठ कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और लास्ट में एट्थ। अगर हमारे तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो हमारा होगा फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है बच्चों, अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, अदर टू प्लस है, तो होगा सेकंड ऑक्टेंट में। अगर हमारे फर्स्ट टू माइनस है और थर्ड पॉजिटिव है, तो होगा थर्ड ऑक्टेंट में। फोर्थ के लिए फर्स्ट और वाई माइनस होगा, तो हमारा हो गया फोर्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ के लिए हमारा जेड माइनस होगा। ओके जी, पहले एक्स माइनस एक्स वाई दोनों माइनस, फिर वाई माइनस, फिर जेड माइनस। इसके बाद सिक्स्थ के लिए हमारा वाई पॉजिटिव और एक्स जेड माइनस। सेवेंथ के लिए हमारे तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे और एट्थ ऑक्टेंट में हमारा सिर्फ एक्स का पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके जी, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे रिलेटेड टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के, कि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या हुआ कि हमारा जो स्पेस होता है हम उसको थ्री एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम एक्स वाई तो पहले जानते ही थे, एक और एक्सिस आता है जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। बाकी सभी बात वही कॉमन सी बात है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। जैसे एक्स एक्सिस की बात करें तो वहां एक्स होगा और वाई जेड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही।
एक्स वाई प्लेन पे जेड जीरो होगा, वाई जेड प्लेन पे एक्स जीरो होगा और एक्स जेड प्लेन पे वाई जीरो होगा, ठीक है। और हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है या ये हमारा थ्री डायमेंशन स्पेस जो होता है, ये हमारे एट पार्ट्स में डिवाइड होती है जिनको हम नाम देते हैं ऑक्टेंट। हमारे आठ ऑक्टेंट कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी और इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है आपकी पहली छोटी सी आसान एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1। तो आप अपनी जल्दी से अपनी बुक निकालो, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। निकाल ली सारे बच्चों ने, निकालो फटाफट। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, समझ में आया, एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है, बताओ इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे जेड और वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही जीरो। तो आपके फर्स्ट का आंसर हो गया वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड भी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक पॉइंट आपका एक्स और जेड प्लेन पे है, बोल रहा है बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे बोल रहा है नेम द ऑक्टेंट, आपको बताना है ये जो पॉइंट्स हैं किन ऑक्टेंट में है। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका 1, 2 और 3, सेकेंड पॉइंट है आपका 4, -2 और 3, थर्ड पॉइंट है आप लोगों का 4, -2, -5, फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का 4, 2, -5, फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों के लिए -4, 2 और -5, सिक्स्थ पॉइंट है आप लोगों के लिए -4, 2 और 5, सेवेंथ पॉइंट है आपका -3, -1 और 6, और एट लास्ट है आपका 2, -4 और -7, ठीक है। देखो ध्यान से, इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा ऑक्टेंट आएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, डन। अब यहां देखो वाई माइनस है, बाकी सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा है, ये हो गया आपका फोर्थ ऑक्टेंट। इस पे आते हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई और जेड क्या है, माइनस है, एक्स पॉजिटिव है और वाई जेड क्या है, माइनस है, तो कौन सा हो गया आपका एट ऑक्टेंट। यहां पे आते हैं फोर, वाई जेड माइनस है, बाकी सारे पॉजिटिव है, तो कौन सा है आपका फिफ्थ ऑक्टेंट। यहां पे आओ, एक्स और वाई जेड माइनस है, एक्स और जेड माइनस है और वाई पॉजिटिव है, मतलब सिक्स्थ ऑक्टेंट। माइनस फोर, एक्स माइनस है, बाकी सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका सेकंड ऑक्टेंट। यहां पे आते हैं, हमारे पास जेड पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, माइनस है, तो कौन सा हो गया आपका थर्ड ऑक्टेंट। हमारे पास वाई और जेड माइनस है, एक्स पॉजिटिव है, वाई और जेड माइनस है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये रहा हमारा कौन सा ऑक्टेंट हो गया, एट्थ। तो बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में आपके लाइज करेंगे, ये बताना था आपको, क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट बोल रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज, जब आप एक्स और वाई को मिला दोगे तो कौन सा प्लेन बनेगा। बिल्कुल सही बात, एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन पे आपका कोई कोऑर्डिनेट है तो उसके पॉइंट क्या होगी, मतलब पॉइंट की फॉर्म क्या होगी, तो आपका एक्स होगा, वाई होगा, जेड क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल है। थर्ड, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, अभी अभी बताया था, जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं हमारे थ्री डायमेंशन स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
तो आपका आंसर आ जाएगा 8 octant। ठीक है जी, क्लियर। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज, जो कि बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो सारे बच्चों को कर लेंगे, सारे बच्चे से कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में सीखेंगे थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, और ये है आपके पास क्या होगा, क्या पढ़ा था 10th क्लास का, याद है आप लोगों को 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बिल्कुल सही। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। तो अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके जी, तो सपोज करो ये हमारे पास एक 3D स्पेस है, और ये रहा आपका पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1। ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 और z2। आपको इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट में। आप ये याद करो, 10th वाला याद है क्या होता था 10th वाला, अगर सिर्फ 2 पॉइंट थे तो x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये होता था ना। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, तो हमारा तीसरा एक्सिस भी आ गया। तो अब इसमें इंक्लूड कर दोगे z2 - z1 की होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें 3D ज्योमेट्री में 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट ये रहे, और हम चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा निकालना, तो आपके लिए ये रहा आपका फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर एंड z2 - z2 की होल स्क्वायर। तो ये जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही यूज होगा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 में। तो 12.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके जी, तो शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 12.2। तो आप सारे के सारे बच्चे अपने 12.2 एक्सरसाइज निकाल लो, निकाल ली सभी बच्चों ने। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2, और इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। चार पार्ट दिए हुए आपको, आपको इनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान सा, इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आप लेट कर लो, ए पॉइंट है आपका 2, 3 और 5, और बी पॉइंट है आपका 4, 3 और 1। आपको इनके बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर, तो आप लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी अंडर रूट में x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर z2 - z1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 और z2 है, क्या हो जाएगा 4 - 2 की होल स्क्वायर, 3 - 3 की होल स्क्वायर, 1 - 5 की होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 5 गया -4, स्क्वायर कर देंगे तो 16। क्या आ गया आपका, अंडर रूट 20। 20 का रूट होता है 5, 4 जा 20, क्या होता है ये आपका 5, 4 जा 20, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। 4 का रूट कितना होता है 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2√5 यूनिट। तो आपने ये यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किस में होगा, कुछ यूनिट में होगा। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दे रखी, तो हम अपनी तरफ से लिख देंगे यूनिट। डन बच्चों, क्लियर। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, 2√5। क्लियर, चारों के चारों पार्ट बिल्कुल ऐसे है बच्चों, आप इन्हें बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इतना तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है, तो बाकी आप सारे के सारे तीनों पार्ट अपने आप खुद करेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको समझा दिया, अब जो 3 पार्ट बच गए वो आपने खुद करना।
ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो क्वेश्चन नंबर टू पे चलने से पहले इसे मिटा देती, ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ठीक है ओके। तो आगे चलते हैं, आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है यहां पे कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। तो कॉलिनियर हम इसे हिंदी में संरेखी भी बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो इसे संरेखी बोलते हैं। तो देखो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉल्ड कॉलिनियर इफ दे लाइज ऑन ए लाइन। अगर तीन पॉइंट एक लाइन पर हैं तो हम उनको बोलते हैं कॉलिनियर। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि लाइन पे हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपने यह याद रखना है कि ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा ए सी डिस्टेंस। मतलब ये एक लाइन है और इस लाइन पे तीन पॉइंट है, ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। तो जो हमारा ए बी डिस्टेंस आया प्लस जो हमारा बी सी डिस्टेंस आया, अगर ये डिस्टेंस ए सी के बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर बोलेंगे, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है अपने इस क्वेश्चन नंबर टू में। तो देखो क्वेश्चन नंबर टू, तो आप लैड कर लो कि ए पॉइंट है आपका माइनस टू थ्री और फाइव, बी पॉइंट है आपका वन टू और थ्री, और सी पॉइंट है आप लोगों का सेवन जीरो माइनस वन। आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो आप क्या करो, मेंशन कर दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप अब डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी। सबसे पहले चलते हैं ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन की होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन की होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 की होल स्क्वायर। तो आप ये निकाल दो ए बी, क्या होगा X2 माइनस X1 की होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 की होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 की होल स्क्वायर। X1 तो 1 माइनस 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 प्लस 2 होल स्क्वायर, यहां पे 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, यहां पर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 वन कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गए 2 माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो 4, क्या आ गई वैल्यू अंडर रूट 14। अब निकालेंगे आप लोग बी सी, तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, सी में से बी घटाएंगे तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, और 16 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 56। तो ये आपका 56 हो गया, सिंपल है। आगे देखो इसे कैसे करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको पता ही होगा 14 4 जा कितना होता है 56, 4 का रूट क्या हो गया 2, 2 अंडर रूट 14। अब आप लिखेंगे AC डिस्टेंस निकालो, तो AC C में से A माइनस करेंगे, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए, 9 का स्क्वायर 81, ये 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया आपका 126। सॉरी बच्चों, 126 को क्या लिख सकते हो 9 into 4, और 9 का रूट क्या होता है 3 अंडर रूट 14। तब आप यहां पे देख सकते हो हेयर
ए बी प्लस बी सी करो, तो ए बी क्या है रूट 14, बी सी क्या है 2 रूट 14, ऐड किया तो क्या हो गया 3 रूट 14, मतलब किसके बराबर आ गया ए सी के। इसलिए ए बी सी आर कॉलिनियर, तो ये आपके कैसे पॉइंट हो गए, ये आपके कॉलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने बस इस कंडीशन को याद रखना है कि हमारी कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है, और कॉलिनियर की कंडीशन लगा के आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लेने हैं। जब आप ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, और हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, इजीली हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या क्या है ये तीन पार्ट्स? सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास तीन पॉइंट है, तो आप लेट कर लो ए है 0, 7, -10, बी है 1, 6, -6, सी है 4, 9, -6। आपको ये शो करना है कि ये हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तीनों साइडों को निकालना है। तो शुरू होते हैं अपना काम करना, तो आप मेंशन कर दो कि हमने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, लिख दो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप निकालो साइड ए बी, तो बी में से एक हटाएंगे, 1 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर, -6 + 10 का होल स्क्वायर। देखो -6 आ गया, फिर माइनस होता है और -10 है, तो -, प्लस हो गया तो 10 हो गया। 1 + 1, 1, 6 में से 7 गया 1, स्क्वायर किया तो 1, 10 में से 6 गया 4 और स्क्वायर कर दिया तो 60, कितना आ गया √18। अब निकालो साइड BC, तो अब BC निकालना है, तो C में से घटाएंगे 4 - 1 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर, -6 + 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और ये हो गया 0, तो कितना आ गया √18। दो साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन चलो फिर भी हम साइड AC भी निकाल लेते हैं। तो AC के लिए 4 - 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद 9 - 7 का होल स्क्वायर, और इसके बाद -6 + 10 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 में से 7 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 × 16 = 32, 32 और 4 कितना हो गया आपका √36 हो गया, जिसका रूट क्या होता है 6। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी जो ए बी साइड है वो इज इक्वल टू है बी सी के, इसलिए इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि हमारी टू साइड्स इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर टू, इसका सेकंड पार्ट, यहां पे हमें शो करना है कि जो ये तीन पॉइंट दिए हैं ये हमारे क्या है, वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो देखो बच्चों आपको तीनों साइड्स तो निकल गई हैं, ओके जी क्लियर। अब देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी आई, इसे छोड़ दो, सबसे बड़ी साइड क्या आई 36, तो आप देखो आप एसी का स्क्वायर कितना है आपका √36 का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया 36। अब जो बाकी दोनों छोटी साइड है इसमें देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर,
क्या आ गया 18 प्लस 18 क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा 18 आ गया 36 किसके बराबर आ गया ए सी स्क्वायर। अब ये कौन सी थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स तो हमारी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आ गया है तो इट मींस ये हमारे पास क्या है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा ट्राइंगल ए बी सी क्या है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्यों बन गया क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है इस वजह से ठीक है सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे तो इसका थर्ड पार्ट उसे करने चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे इसको हमें चार पॉइंट्स दिए हुए हैं तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे फोर पॉइंट्स हैं तो आप लैड कर लो ए है हमारा -1, 2 और 1 बी पॉइंट है हमारा 1, -2, 5 सी पॉइंट है हमारा 4, -7, 8 और डी पॉइंट है हमारे पास 2, -3 और 4 हमें कह रहा है कि हमें शो करना है कि दीज फोर पॉइंट्स फॉर्म से पैरेललोग्राम या ये चार एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों पैरेललोग्राम की ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो आपने चारों साइड्स निकाल ली है तो आप शुरू हो जाते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम इसमें अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर चारों साइड्स निकाल लेते हैं तो पहले ए बी की बात करते हैं तो कैसे होगा देखो 1 माइनस और फिर -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 5 - 1 का होल स्क्वायर ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया अंडर रूट 36 मतलब 6 आ गया। अब आप बीसी साइड निकालो तो 4 - 1 का होल स्क्वायर -7 + 2 का होल स्क्वायर 8 - 5 का होल स्क्वायर 4 में से बन गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस -7 में से तो चले गए 5 और 5 का स्क्वायर 25 8 में से 5 चले गए 3 का स्क्वायर 9 9 और 9 18 और 25 अंडर रूट में 43। अब आप सी डी साइड निकालो तो सी डी कैसे निकलेगी डी में से माइनस करेंगे तो 2 - 4 का होल स्क्वायर फिर -3 + 7 का होल स्क्वायर फिर 4 - 8 का होल स्क्वायर यहां पे आ जाते हैं 2 में से 4 गए तो -2 स्क्वायर कर देंगे तो 4 7 में से 3 गए 4 स्क्वायर कर दिया 16 8 में से 4 गए -4 तो स्क्वायर कर देंगे 16 डी हो गया अंडर रूट 36 मतलब 6। अब निकालेंगे एडी एडी भी निकाल लो तो सीधा एडी 2 - -+1 का होल स्क्वायर -3 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर 2 और 1 3 स्क्वायर कर दिया तो 9 -5 का स्क्वायर कर दिया 25 3 का स्क्वायर कर दिया 9 क्या आ गया आपके पास 43 अंडर रूट। तो आप यहां देख रहे हो कि जो हमारी ए बी है इज इक्वल टू है सी डी और जो हमारा बी सी है इज इक्वल टू है ए डी अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
तो हमारा इसलिए एबीसीडी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सा है हमारे दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट बिल्कुल इजी थे। तो आप इस तरीके से अपने इन तीनों पार्टों को सॉल्व कर लेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके अंदर आसान सी एक्सरसाइज है आपके लिए। ओके जी, क्लियर। तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं तक ही कराता हूं। हमारे जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बच गए हैं, इन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेना, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से आ भी जाएगा और आप इजीली इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो तब तक सारे बच्चों को बाय, सी यू, टाटा।